और सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म पे एम्बुलेंस वाले वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, तो मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में और जानकारी दे देता हूँ। एम्बुलेंस इतनी तेजी से कहाँ जा रहा है, इस एम्बुलेंस में एक 40 डे का बेबी है जिसे हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, इसीलिए बेंगलोर से बेंगलोर जयदेवा हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया, इसीलिए काफी तेजी से एम्बुलेंस बेंगलोर जा रहे हैं। हाँ, 7 घंटे का सफर है, यहाँ पे 3 से 4 घंटे में सफर तय करना है, इसीलिए एम्बुलेंस ड्राइवर मोहम्मद हनी बलांजा ने 0 ट्रैफिक करवाए कर्नाटका पुलिस और आम पब्लिक की सहायता से, और इस एम्बुलेंस को 4 घंटे 20 मिनट में बेंगलोर के जयदेवा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। बहुत सारे पब्लिक ये जानना चाह रहा है बेंगलोर से बेंगलोर एम्बुलेंस से जाने के लिए मोहम्मद हनी बलांजा को ही क्यों भेजा गया, अदर ड्राइवर क्यों नहीं गया, तो मैं आज इसी वीडियो के बारे में बात करने वाली। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस एम्बुलेंस को बेंगलोर से बेंगलोर 4 घंटे में शिफ्ट किया गया, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आ रहे थे हनी बलांजा को ही बेंगलोर से बेंगलोर क्यों भेजा गया। तो मैं आपको बता देता हूँ, हनी बलांजा को ही इसलिए भेजा गया क्योंकि ये ऑलरेडी पिछले केस में, इससे पहले भी एक ऐसा केस उनके पास आया था, 350 किलोमीटर को दूरी तय करना था और वहाँ पे भी काफी ज्यादा इमरजेंसी था, वहाँ पे भी मोहम्मद हनी बलांजा ने एम्बुलेंस को 3 से 3.5 घंटा में पहुंचाया, उन्हें जान जोखिम में डालकर और फाइनली ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। यही कारण था जो मोहम्मद हनी बलांजा को ही बेंगलोर से बेंगलोर एम्बुलेंस चलाने के लिए बोला गया। और आप देख भी सकते हैं वीडियो में, बेंगलोर से बेंगलोर 7 घंटा को सफर को 4 घंटा में तय किया। तय करने के बाद जब हार्टी डे बेबी को हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, आप देख सकते हैं पब्लिक ने कितनी ज्यादा स्वागत किए मोहम्मद हनी बलांजा को। तो यही सारी सच्चाई है। और यहाँ पे बहुत सारी वीडियो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत वीडियो बना रहे हैं, और टिकटॉक पे आप देख भी सकते हैं कोई बता रहे हैं कि 50 लाख रुपये सलमान खान ने दिया, मोदी जी ने दिया 50 लाख रुपये, आमिर खान ने दिया 50 लाख रुपये, इस तरह की वीडियो बन रहे हैं। तो ये जितने भी वीडियो पेस्ट किया जा रहा है सारे वीडियो फेक है, क्योंकि ये जितने भी वीडियो है ओल्ड वीडियो है, अदर अदर प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करने के बाद अपलोड कर दे रहा है।